हम पैराबोला पढ़ चुके हैं, पैराबोला के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज एलिप्स। सो एलिप्स का पाथ कैसा होता है वो हमें बेसिकली देखना है। अगर हम एक एग्जांपल के देखें तो हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज एलिप्टिकल। मतलब जो पाथ आता है वो एलिप्स आता है, एंड सन लाइज ऑन वन ऑफ द फोकाई। एलिप्स में हमारे पास दो फोकस पॉइंट होते हैं या दो फोकल पॉइंट होते हैं या दो फोकस होते हैं, और जिन्हें हम फोकाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फोकाई भी बोल सकते हैं। सो हमारे पास जो प्लैनेटरी मोशन है, मोशन ऑफ प्लैनेट, दैट इज बेसिकली हम बोलते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मोशन। सो प्लैनेटरी मोशन इज एलिप्टिकल इन शेप तो आज हमें समझते हैं कि इसका शेप कैसा होता है और किस तरीके से हम एलिप्स को के पेपर बेस्ड डिफरेंट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ एलिप्स देखते हैं। सो वी लुक फॉर द सम डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। सो व्हाट इज एलिप्स? सो एलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from fixed point focus and whose ratio of distance from fixed point and the fixed line, that is perpendicular distance, from directrix. So whose ratio of distance from the fixed point and fixed line is constant, this ratio is called eccentricity, जिसे हम E से नोट करते हैं। So, हम बोलेंगे एलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट हुज रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन इज कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दैट सिंपली मीन्स ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो एलिप्स एक ऐसा लोकस है जहां पर ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, वेयर ई इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर लोकस और एनी पॉइंट ऑन द लोकस। यहां से अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं। एक तो हो गया वो फिक्स पॉइंट क्या है, उसे हम फोकस बोलेंगे। तो हम बोलेंगे फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सेकेंड, fixed line is called directrix. Third, constant ratio is called eccentricity and denoted as
ई,